1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट से यह बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी एनर्जी वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। किसी सरफेस पर सेकेंड जितनी ज़्यादा वेव इंसिडेंट होगी, लाइट की इंटेंसिटी और एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। कुछ सालों बाद फिलिप लेनार्ड ने अल्ट्रावायलेट लाइट से गैस के आयनाइजेशन को डिस्कवर करते हुए ऑब्जर्व किया कि गैस इंसिडेंट होने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, जिसकी एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पर। लेनार्ड का यह ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल के वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बिल्कुल अपोजिट था, जिससे यह पहेली बन गई कि लाइट की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर या फ्रीक्वेंसी पर। इस पहेली को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट के एक फिनोमिना के जरिए एक्सप्लेन किया, जिसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक के रेडिएशन लॉ की हेल्प ली। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सुझाव दिया था कि लाइट एक कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है, जैसे कि मैक्सवेल ने कहा, बल्कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। आइंस्टाइन ने इन क्वांटम ऑफ लाइट को फोटोन नाम दिया। हर फोटोन एक फिक्स्ड एनर्जी का पैकेट होता है जो लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किसी रेडिएशन की एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और एक बहुत स्मॉल टाइनी नंबर के मल्टीपल के इक्वल होती है, जिसे क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं, और यह स्मॉल नंबर प्लैंक कॉन्स्टेंट कहलाता है। इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक मेटल सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करवाया। मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो खुद मेटल सरफेस से बाहर निकल सके। क्योंकि सरफेस पर पोटेंशियल वेल की हाइट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस तक लाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जब लाइट को मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाया जाता है, तो लाइट के फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ऑल और नथिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर या ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से कम हो, तो उस एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केवल मेटल सरफेस तक ही आ पाता है। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी का कुछ पार्ट सरफेस तक पहुंचने में खर्च कर देता है, और बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगते हैं। इसे ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जरूरी है कि फोटोन के पास एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। इससे कम एनर्जी के फोटोन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इस मिनिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो, तो सरफेस से इजेक्ट तो होंगे, लेकिन आगे मूव करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचेगी। लेकिन अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन न केवल सरफेस से इजेक्ट होंगे, बल्कि एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन की यह एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही अधिक एनर्जी से इजेक्ट होंगे। तो क्या मैक्सवेल की लाइट के बारे में वेव थ्योरी गलत है? ऐसा नहीं है। नेचर में लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिसे मैक्सवेल के वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, वहीं कुछ फिनोमिना को मैक्सवेल और आइंस्टाइन के क्वांटम ऑफ लाइट से। इस तरह लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी। इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डी ब्रोगली ने एक्सटेंड करते हुए बताया कि केवल लाइट ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स की हर एक क्वांटिटी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर की होती है। किसी भी क्वांटिटी की यह ड्यूअल नेचर ही क्वांटम फिजिक्स का बेस है।